हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 7.1 में। यस, 7.1 आज हम फिनिश करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, एंड दैट वाज वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेशन। इफ यू रिमेंबर, एक्सपेक्टेशन मींस व्हाट? मीन फाइंड करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब मीन फाइंड करना। मीन कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करने का, राइट? फिर मैंने एक और चीज सिखाया था, एंड दैट वाज वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब एज पर योर मीन आपके बाकी वैल्यूज कितना वेरी करते हैं, दैट इज व्हाट इज वेरिएंस। एंड वेरिएंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था, दैट वाज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। वी हैड आल्सो सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएंस। एक और फॉर्मूला दैट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हिच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस निकाल लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट के जो चार क्वेश्चंस हैं, दोज आर बेस्ड ऑन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच आर लेफ्ट आउट, वो आज हम फिनिश कर लेंगे। सो आई डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज लेफ्ट आउट, ओनली दोज रिमेनिंग क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज व्हाट? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ गया, इट इज ई ऑफ एक्स। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, चलो ठीक है। Where x is a number obtained on uppermost face when a fair dice is thrown. मतलब यहाँ पर एक डाइस का क्वेश्चन है। Yes, डाइस पे का कितना डाइस पे का? A fair dice is thrown. एक ही डाइस पे का है। जब आप एक डाइस फेंकते हो, अपरमोस्ट फेस पे कौन सा नंबर आता है? अभी अपरमोस्ट फेस मतलब क्या? अपरमोस्ट फेस मतलब जब आप डाइस फेंकते हो, जो ऊपर वाला नंबर आता है उसी को देखते हो ना, कैसे झुक के साइड से देखते हो, ऊपर आता है वही देखते हैं। वैसे तो झुक के देखो तो चारों तरफ अलग अलग नंबर दिखेगा। अपर मोस्ट फेस मतलब डाइस फेंकने के बाद ऊपर वाला नंबर, कोई तो एक नंबर होगा। डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन नंबर्स में से ही कुछ तो आएगा, दैट इज व्हाट इज एक्स। तो एक्स क्या अज्यूम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में ही दे दिया, क्या अज्यूम कर रहे हैं? एक्स नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाइस, करेक्ट? और डाइस पे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर्स में से कुछ तो आता है। और एक डाइस, सिंगल डाइस का जो क्वेश्चन है वो तो हमने टेंशन में बहुत बार सॉल्व किया है। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल में क्या क्या चीजें होती है? एक होता है एक्स, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा उसका एडिशन इज एक्सपेक्टेशन। फिर वेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, और इस एक्स स्क्वायर को मैं पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका जो एडिशन आएगा वो मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर देगा। गेटिंग इट? सो दिस इज द टेबल दैट वी हैव टू फॉर्म इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ वेरिएंस, रिमेंबर दिस। चलो, एक्स के वैल्यूज क्या क्या है पहले वो लिख देता हूं। एक्स के वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर अ सिंगल डाइस क्वेश्चन। फॉर अ सिंगल डाइस क्वेश्चन कैन आई से n ऑफ s 6 होता है, करेक्ट? और इसमें से कोई भी नंबर आने दो, प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। 2 आया तो भी 1/6, बिकॉज 6 नंबर में से एक नंबर आ रहा है ना, तो 1/6। 3 वाले का भी 1/6, 4 वाले का भी 1/6, 1/6, 1/6, बिकॉज आउट ऑफ द 6 नंबर्स आई एम आस्किंग फॉर ओनली वन नंबर, या तो 1 या तो 2 या तो 3, 4, 5, 6, कोई भी एक नंबर मुझे चाहिए। इसको 6 मतलब 6 अपॉन 6 कंसिडर मत करो, दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट मुझे नंबर चाहिए 6 में से, एक ही चाहिए ना, तो 1/6। एंड 10 चैप्टर में हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर अ सिंगल डाइस क्वेश्चन इज ऑलवेज 1/6, करेक्ट? चलो वो मैंने लिख दिया। एक बार आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, x और p of x मिल गया, फिर बाकी चीजें निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकालते हो बताओ? x और p of x मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? सो 1 × 1/6 is 1/6, 2 × 1/6 is 2/6, इसको मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, आई कीप इट एज इट इज बिकॉज़ एडिशन में काम आएगा। 3 × 1/6 3/6, 4/6 5/6 6/6। अब मुझे इन सबको ऐड करना है, ठीक है? इसका जो एडिशन है उसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स।
कितना 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 6, 21 upon 6, which can also be written as 3 2s are 3 7s are 7 upon 2, 3 2s are 3 7s are 7 upon 2, ठीक है। चलो अब इसको चलो बाद में देखते हैं, x square फाइंड कर लेते हैं। x square मतलब इस वाले x का square करने का, 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16, 5 का square 25, 6 का square 36, ओके। अब x square into p of x, x square into p of x मतलब इस x square को और इस p of x को मल्टीप्लाई करना है, 1 into 1 by 6, 1 by 6, 4 into 1 by 6, 4 by 6, 9 by 6, 16 by 6, 25 by 6, 36 by 6। मैं जानबूझ के इसमें भी रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एडिशन में काम आएगा, ठीक है। अगेन एडिशन ऑफ दिस इज नोन एज समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x। कितना है देखो, 1 plus 4, 5, 5 plus 9, 5 plus 9, 14 plus 16, 30 plus 25, 30 plus 25, 55, 55 by 36, 55, 61 and 30 is 91 upon 6। इसको भी शायद रिड्यूस कर सकते हैं, 91 upon 6, 3 2s are and 3, नहीं होगा, ठीक है, 91 upon 6 ही रखते हैं, ठीक है। दिस इज 91 upon 6। समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x इज नोन एज, समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x इज नोन एज e ऑफ x, करेक्ट है, व्हिच इज 21 upon 6। मैं यही लिख रहा हूं बिकॉज मुझे सब्ट्रैक्शन में काम आएगा। नेक्स्ट, e ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x, व्हिच इज 91 upon 6, गेटिंग इट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन तो मैंने फाइंड कर लिया, उसका आंसर ये रहा, चलो हाईलाइट भी कर दिया। वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x मींस, वेरिएंस ऑफ x मींस e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। सो e ऑफ x स्क्वायर कितना है, 91 upon 6, माइनस e ऑफ x कितना है, 21 upon 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 91 अपॉन 6 माइनस 21 का स्क्वायर 441, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो फिर क्या करें, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो एक काम कर रहे हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। सो दिस विल बिकम 6 ones are 6, 6 nines are 54, 546 upon 6, 36 माइनस 441 upon 36, which will be equivalent to 46 minus 41 is 5, 5 minus 4 is 1, 105 upon 36. चाहो तो आप यहां तक रखो, या फिर इसको डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, अलाउड है, 105 upon 6. अगर 35 होता तो 35 3s are 105 होता है, तो ये 3s नहीं है, 3 से छोटा है, थोड़ा कम है, so 2.9 लिख के छोड़ दो, चल जाएगा, ठीक है। 108 होगा तो 36 3s होगा, तो 1.9 मैंने लिख दिया अलग, सॉरी 2.9 मैंने लिख दिया आंसर। ये किसका आंसर है, वेरिएंस का आंसर है, एक्सपेक्टेशन का आंसर तो ऑलरेडी लिख दिया, दोनों को हाईलाइट भी कर दिया, आई हैव माय आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया, सिंगल डाइस का क्वेश्चन, x के वैल्यूज 1 से लेकर 6 तक, प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6 सबके लिए, ये दोनों मिल गया फिर तो सम बहुत इजी है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे इसको, मुझे आपको रोकने की जरूरत नहीं है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टिल देन डाइजेस्ट दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने वाला है, व्हिच इज अ टू डाइस क्वेश्चन, सो देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खुद से सॉल्व कर लो, पॉज द वीडियो और ये लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन 14, लेट्स स्टार्ट। Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. जब दो डाइस को फेंकते हो तो कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं, 36 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, करेक्ट। वो 36 कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, कितनी बार वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे 36 कॉम्बिनेशन लिखते हैं, करेक्ट है। उसके बाद भी मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन। मैंने ये एक एग्जांपल ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में शायद सिखाया है कि सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन व्हेन टू डाइस आर रोल्ड क्या होता है। सबसे छोटा वाला होता है 1 1, 1 प्लस 1 का एडिशन कितना होता है 2। सबसे बड़ा वाला होता है 6 6, 6 प्लस 6 का एडिशन कितना होता है 12। छोटे से छोटा एडिशन 2, बड़े से बड़ा एडिशन 12, छोटे से छोटा 2, बड़े से बड़ा 12, तो बीच के सारे एडिशन आएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे वैल्यूज आपका x बनने वाला है, बिकॉज x इज व्हाट, सम ऑफ द नंबर्स। सो x मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, ऑलरेडी ये है सम ऑफ नंबर्स, राइट, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस। एंड सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस शुरू कहां से होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से शुरू होता है, 12 तक जा रहा है, करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ देम, ये प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, बट फिर भी अगर आपने वो नोट डाउन नहीं किया तो रिमेंबर, ऐड करके 2 कब आता है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ऐड करके 2 मिलेगा, 1 1, एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। सो कैन आई से सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, तो सिर्फ एक ऐसा कॉम्बिनेशन मतलब कैन आई राइट एज 1 अपॉन 36, 1 अपॉन 36 क्यों, बिकॉज n ऑफ s होता है 36 फॉर 2 डाइस ऑपरेशन, और 36 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें मुझे 1 1 एडिशन 2 मिलेगा। एडिशन 3 कब मिलेगा, 1 2 2 1, मैंने बताया वो स्लैंट लाइंस बनाई थी जिसमें एडिशन लिखा था, सो एडिशन 3 इज व्हाट, 1 2 एंड 2 1, दो कॉम्बिनेशन है ना, सो कैन आई राइट इट एज 2 बाई 36। 4 ऐड करके 4, 1 3 3 1 2 2, तीन कॉम्बिनेशंस। ऐड करके 5, 4 कॉम्बिनेशंस। ऐड करके 6, 5 कॉम्बिनेशंस। चाहो तो आप चेक कर लो पेज, तुम्हारे यही आएगा वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। ऐड करके 7, अब ऐड करके 7 में कितने कॉम्बिनेशन से जरा सोचो, 3 4 4 3 2 5 5 2 1 6 6 1, 6 कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ 36। ये गाड़ी 1 से शुरू होती है, 6 तक जाती है, और फिर से उल्टा, ऐड करके 8 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, तो यहां पर लिखूंगा 5 बाई 36, और धीरे 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 कम हो जाएगा, 4 बाई 36 3 बाई 36, बिकॉज ऐड करके 10 कब मिलेगा, 4 6 6 4 5, ऐड करके 11, सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है 5 6 एंड 6 5, ऐड करके 12, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है 6 6, ओके। सो दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल योर टू डाइस वाले एडिशंस, ठीक है। अब मुझे यहां पर जो आंसर मिलेगा इज नोन एज समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x, ठीक है, और यहां पर जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x, ठीक है। चलो लेट्स राइट डाउन दी वैल्यूज, x इनटू p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x इनटू p ऑफ x का वैल्यू 2 × 1/36 इज 2/36, 3 2s are 6/36, 4 3s are 12/36, 5 4s are 20/36, 6 5s are 30/36, 7 6s are 42/36, 8 5s are 40/36, 9 4s are 36/36, 10 3s are 30/36, 22/36, 12/36, perfect। अब इसको ऐड भी करना है, एक साथ कर ही लेते हैं, 2 + 6 8, 20 40 70 112 152 152 plus 6 152 158 188 198 208 218 218 208 218 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
समेशन ऑफ x into p of x, मतलब ये मुझे किसका आंसर देगा, एक्सपेक्टेशन का आंसर देगा, समेशन ऑफ x into p of x, which is 252 upon 36,
ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज मुझे नहीं पता मुझे सबट्रैक्शन में क्या काम आने वाला है। सो आई विल कीप इट एज इट इज, जरूरत पड़ेगा रिड्यूस कर देंगे। एनीवेज एक्सपेक्टेशन तो पूछा नहीं है, अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस निकाल लो फिर स्क्वायर रूट को निकाल लेंगे हम लोग। ओके आई हैव एक्सपेक्टेशन, अब आगे की बात करते हैं, x स्क्वायर करना है, x स्क्वायर इसका स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 100, 121, 144। अब एक चीज तो समझ में आ गई है कि आंसर बहुत बड़ा बड़ा आने वाला है बिकॉज अब मुझे मल्टीप्लाई भी करना है x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, ये वाला इंटू ये वाला, ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट, मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 1/36 = 4/36, 9 × 2 = 18/36, 16 × 3 = 48/36, 25 × 4 = 100/36, 36 × 5 = 180/36, 49 × 6 = 98/3 मुझे करना पड़ेगा, 100 × 3 = 300, 294/36, ठीक है, 64 × 5 = 320/36, 81 × 4 = 80, 80, 80, 320 and 4, तो 324/36, ठीक है, 100 × 3 = 300/36, 121 × 2 = 242/36, 144 × 1 = 144/36। मल्टीप्लाई तो कर लिया मैंने, फटाफट कर लिया, आपका भी मल्टीप्लिकेशन इतना ही फास्ट होना चाहिए। सम आई नो कि थोड़ा बड़ा हो गया ना, ठीक है, बट इजी है, मेथड तो वही है, जो चीजें पहले की वही करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स के लिए करना है। चलो ठीक है, x स्क्वायर इनटू p ऑफ x का सम करना है, सबको ऐड करना है, लेट्स ऐड 4 + 18 = 22, 22 इसमें ऐड किया तो 70, 170, 170 = 350, 350 and 300, इसको मैं 300 पकड़ लेता हूं, ठीक है, 350 + 300 = 650, 650 and 300 = 950, 970, और ये चार ऐड हो गया, 970 and 320, 990, 1290, दो ऐड करना बाकी है, 1290, 1590, दो आ गया देखो, 1590 + 240, 1590, 1630 +200, 1630 = 183, 1830 + 144, 1830 = 1940, 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 = 1930 =
1.74 upon 36, which is actually known as expectation of x square. 1974 upon 36. ठीक है, फाइनली मुझे फाइंड करना है वेरिएंस, तो डायरेक्टली बात करते हैं वेरिएंस की. वेरिएंस ऑफ x इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर. ठीक है, सो e ऑफ x स्क्वायर कितना है 1974 upon 36 माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है. अब डिवाइड तो करना पड़ेगा, पहले चेक कर दो क्या ये 6 से डिवाइड होता है क्या. अगर ये 6 से डिवाइड होता है तो मेरा काम हो जाएगा. 6 6 6 4 24, 1 कैरी 2 जा, चलो हो गया 42 upon 6. ठीक है, और डिवाइड होगा बट मैं करूंगा नहीं, इसको मैं 42 upon 6 ही लिखूंगा. 42 upon 6 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्यों करना है, 6 का स्क्वायर 36 36, सेम हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा. ओके, सो आई हैव माय आंसर 1974 अपॉन 36 माइनस 42 का स्क्वायर. 42 का स्क्वायर विल बी 1764 upon 36. ठीक है, सो 1764 upon 36 minus 74 minus 64 is 10.
19 minus 7 is 2 upon 36. 210 upon 36 is the answer for variance of x. Variance of x मुझे find नहीं करना है, मुझे find करना है standard deviation. So I'll write this answer over here. Standard deviation is square root of variance of x. मतलब square root of 210 upon 36. Perfect. 210 upon 36 का decimal value कितना होगा? 36 होता है. 36 सिक्सा 216 होता है. तो ये सिक्सा नहीं है, मतलब 5.9 लिख सकते हैं. And square root of 5.9 कितना होगा? Square root of 4 is 2. 5.9 का square root वैसे तो आप calculator से निकाल सकते हो, या फिर logarithm से निकाल सकते हो, logbook जैसे आप chemistry और physics में निकालते हो. Otherwise approximate answer allowed है. ठीक है? Square root of 4 is 2. Square root of 9 is 3. 9 तो बहुत दूर है, तो 2.5 भी नहीं लिख सकता, बिकॉज़ ये आधा भी नहीं है. तो मैं 2.4 लिख के इसका आंसर खत्म कर दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5.9 2.4 लिख के मैं खत्म कर दूंगा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है. अब ये 5.9 है, वो 9 के नजदीक नहीं है, 4 के नजदीक है, इसलिए उसको 2.4 थोड़ा 2 से थोड़ा ज्यादा लिखते हैं हम लोग, व्हिच इज 2.4. Okay, so I have the answer for standard deviation for this question number 14. थोड़ा सा बड़ा question था, बड़े-बड़े numbers involved थे calculation में, but still we have tried to solve it and get the answer. आप चाहो तो calculator से एक बार match कर लेना answer क्या है, okay? I hope question 10, question 14 is clear to you all. दोनों भी dice वाले questions थे, one dice question, two dice question. Okay, so make a note of it and then we'll start with the next two questions as well. Let's move to question 15 and 16 now. 15 question is also a basic question that we have solved in 10th standard. Bahut basic probability question hai. A class has 15 students whose age are. Ab yahan par ek random data diya hai. 15 students ke age ke bare mein data diya hai. Theek hai? Aur jab bhi aisa random kuch data diya to humko ek kaam karte hai, usko ascending order mein likh lena hai. So age which is given in the question, let's write in ascending order. 14 sabse chota hai. एक और बार 14 आया, चलो दो ही बार 14 आया. नेक्स्ट 15, एक ही 15 है. नेक्स्ट 16, एक और बार 16, चलो ठीक है. 17, एक और बार 17, तीन बार 17, ठीक है. 18 है, 19 एक बार दो बार, करेक्ट. नेक्स्ट 20, तीन बार, ओके. तो 20 20 20, और कोई है क्या? 21 भी है, ओके. सो 15 हो गए, देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए. सो कैन आई से n ऑफ s इज 15? ठीक है, 15 लोग है, 15 अलग अलग एज है, कुछ कुछ रिपीटेड है, मतलब ये मुझे प्रोबेबिलिटी में काम आए. X is a selected student. Selected student का एज रिकॉर्ड कर दिया. एज क्या क्या हो सकता है? तो कैन आई से X is what? एज ऑफ अ स्टूडेंट. तो एज ऑफ अ स्टूडेंट क्या क्या हो सकता है? 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो सकता है. सो कैन आई से my x will be 14, 15, 16, 17, 18, 19 and there are 20, 21 bhi hai. So what I'll do is, let's draw this more. ठीक है, चलो. Probability total 15 है, 14 वाले कितने हैं? 2. 14 वाले 2 है और टोटल 15 है. तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी इज 2/15. दिस इज व्हाट वी हैव डन इन अ 10th स्टैंडर्ड. इवेंट ए, द एज इज 14 इयर्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स. प्रोबेबिलिटी n ऑफ a अपॉन n ऑफ s 2/15.
दिस इज हाउ वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन. ओके 15 वाले कितने हैं? एक ही है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 1/15. टोटल 15 लोग हैं लेकिन एक ही 15 वाला है. 16, दो लोग आउट ऑफ 15. 17, 3 आउट ऑफ 15. 18, 1 आउट ऑफ 15. 19, 2 आउट ऑफ 15. 20, 3 आउट ऑफ 15. एंड 21, 1 आउट ऑफ 15. दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो देख लो. उसके आगे का तो आपको आता है, बहुत इजी है. x इज द एज. तो सारे के सारे एज ऑफ नंबर यूनिक वाले लेंगे, यूनिक वाले, और जो रिपीट होता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करेंगे. x मिल गया, p of x मिल गया. अब क्या-क्या निकालना है देखो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x तो यही होता है, x और p of x कितना है. तो अब एक काम करो, फॉर दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज x और p of x का एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना के छोड़ दो, ठीक है. और फिर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम लोग एक और बार ये टेबल बनाएंगे, ठीक है. बिकॉज़ यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से पूछा है तो ये दोनों उसका आंसर होगा. मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कंप्लीट टेबल बनाएंगे जिसमें कौन कौन होगा. x p of x, x into p of x, x square, x square into p of x. Let's write the values. x into p of x, 14 2s are 28 upon 15, 15 upon 15, 32 upon 15, 51 upon 15, 18 upon 15, 38 upon 15, 60 upon 15, 21 upon 15. ठीक है. अब इस सबको ऐड करने का लेट्स सी व्हाट इज द एडिशन. वी कॉल दिस एज x into p of x का समेशन. 28 plus 15, 43. 43 plus 32, 43, 45, 45, 75. 75 और 50, 125, 126. 126 और 18, 134, 144. 144 और 38, 152, 182. 182 और 60, 242. 242 और 21, 263. So addition is 263 upon 15. Keep it as it is. फिलहाल के लिए बातें देखते हैं. x square का value 14 का स्क्वायर 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441. x square into p of x, ये मल्टीप्लाई करना है. 196 2's are, oh, अब यहाँ पर अगेन बड़े बड़े नंबर आ गए, ठीक है. 196 2's are 190 is 380, so 392 upon 15. 225 ones are 225 upon 15. 256 twos are 512, 512 upon 15. 289 threes are 290 threes are 870 में से 3 minus कर दो, 867 upon 15. 324 ones are 324 upon 15. 361 2's are 360 is 722 upon 15. 400 3's are is 1200 upon 15. 441 1's are is 441 upon 15. इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके जो आंसर आएगा वी कॉल इट एज समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p of x. गेट इट? लेट्स ऐड देम. ये थोड़े बड़े नंबर्स है, एडिशन थोड़ा संभल के करते हैं. सो आंसर विल बी 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 22, 23, 3 लिखा, 2 कह रही, 11, 13, 14, 22, 24, 24 और 4, 28, 2 कह रही, 5, 2, 7, 12, 23, 30, 32, 36. 3 कह रही, 3, 3, 3, 3, 3 और 4, 4, 6, 8, 3 upon 15. Summation of x square into p of x. मतलब मुझे क्या-क्या आंसर मिला देगा? What I have is expectation of x. इसको हम लोग बोलते हैं mean. Mean का आंसर is 263 upon 15. फिर e of x square भी मिल गया, which is 4, 6, 8, 3 upon 15. Mean मिल गया. Variance find करना है. Variance कैसे find करते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं. Variance of x is
e of x square minus e of x the whole square. E of x square कैसे निकालोगे? ये रहा 4683 upon 15 minus e of x कितना है? 263 upon 15 the whole square. Okay, अब कुछ reduce करने का try करते हैं वरना numbers बहुत बड़े-बड़े हो जाएंगे, right? 4683 upon 15 क्या है ना, divided by 3. 4, 6, 10, 10, 8, 18, 83, 21. ये 3 से divide हो सकता है क्या? ये 3 से divide होगा? 2, 6, 3, 9, 9, 2, 11 नहीं, ये 3 से divide नहीं होगा, फंस जाएंगे ना. ठीक है, एक काम करते हैं, let's convert this into decimal part. 15, 3's are 45, 1 carry. 15, 1's are 15, 3 carry. 2's are 30.3, 312.2 माइनस 263 अपॉन 15 कितना होगा? 15, 15, 15, 1's are 15, 11, 113, 113 मतलब 15, 7's are 105, पॉइंट डाला 80, 80 मतलब 5's are 75, 50 तो 3's are का स्क्वायर. तो 312.2 माइनस 17.53 का स्क्वायर, 17.5 का स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज अलाउड. 17.5 का स्क्वायर 5, 5's are 25, 17 into 18 into 17 कितना होता है? 18 into 17, 7 into 6, 6, 5's are 7, 7, 12, 0. अच्छा डायरेक्ट कर देते हैं शॉर्टकट, 7 8's are 56, 6, 5 carry 7's are 7, 1 is 8, 15, 5 20, 2 carry 1 is 2, 3, 306. So 306.25. अब तो माइनस कर सकते हैं हम लोग, वेरी इजी. सो 312 माइनस 306.25, 312 माइनस 307 कर लो 5.95 नहीं ज्यादा हो जाएगा ना. 312.20 माइनस 306.25 कैरी कर लो, ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 इज 5, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, 11 माइनस 2 इज 9.95 आया, 11 माइनस 6 इज 5.95 सही है. सो वेरिएंस का आंसर मुझे मिला 5.95. अब वेरिएंस मिल गया मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो मिल ही जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5.95. आई गेस पिछले वाले समय में ऐसे ही कुछ आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 5.95, आई कैन राइट इट एज 2.4 व्हिच इज द आंसर. ओके, सो एप्रोक्सीमेट आंसर हमने लिखा है, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना कितना आंसर आता है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा. अदरवाइज द एप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर अलाउड बिकॉज़ द नंबर्स आर रियली वेरी बिग ओवर. ठीक है, डजंट मैटर सम का आंसर क्या आया वो फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मुझे ये जानना है कि सम सॉल्व कैसे हुआ. सम सॉल्व कैसे हुआ? एज ऑफ अ स्टूडेंट को एक्स दे दिया, प्रोबेबिलिटी चेक कर लो 15 है, एन ऑफ एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, एंड देन द सम इज वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 फॉर दिस एक्सरसाइज सेज व्हाट? इन अ मीटिंग 70% मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज. मतलब एक मीटिंग चल रहा है, अब मीटिंग में ऐसा तो है नहीं कि कुछ डिसीजन अगर लेना है तो सारे के सारे एग्री हो जाएंगे, कुछ लोग अपोज भी करेंगे, कुछ लोग फेवर भी करेंगे. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ मीटिंग 70% मेंबर्स फेवर कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ देम 30% अपोज कर रहे हैं. ठीक है, वी टेक एक्स इक्वल टू 0 इफ ही अपोज, मतलब x का वैल्यू दिया है, 0 लिया तो अपोज वाले होंगे और 1 लिया तो फेवर वाले होंगे. तो कैन आई से x के वैल्यूज इज 0 एंड 1, सिर्फ दो ही वैल्यूज है 0 और 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 इज व्हाट? x इक्वल टू 0 मतलब अपोज, अपोज वाले मेंबर्स, अपोज अपोज 30% अपोज. तो कैन आई से 30/100 व्हिच कैन बी रिटन एज 3/10. ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 वाले कौन है? जो फेवर में, फेवर में, फेवर में कितने लोग? 70% मतलब 70/100 व्हिच कैन बी रिटन एज 7/10. गेटिंग इट? सो एज फॉर दिस क्वेश्चन देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ x, इसका टेबल कितना छोटा बनेगा? फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस. तो टेबल देखो क्या बनेगा, एक x होगा, एक p ऑफ x होगा, x into p ऑफ x होगा, x square into p of x.
getting it x के values 0 and 1. Let's say p of x when x is 0 is 3 by 10 and यहाँ पे 7 by 10. अब values लिख लो x into p of x 0 into this 0 1 into 7 is 7 by 10. Add किया 7 by 10 आएगा. Summation of x into p of x is and this is my mean which is expectation 7 by 10 जिसको 0.7 भी लिख सकते हैं. x square मतलब क्या? इसका square करना है 0 का square 0 1 का square 1. x square into p of x मतलब क्या? x square into p of x 0 into this is 0 1 into 7 by 10 is 7 by 10. ये लो इसका addition भी वही आया 7 by 10 and this is known as summation of x square into p of x जिसको हम लोग क्या बोलते हैं e of x square which is again 7 by 10. ठीक है मुझे find क्या करना है expectation find करना था वो तो नहीं लिया variance भी find करना है चलो ठीक है variance of x का formula is what e of x square minus e of x the whole square e of x square कितना 7 by 10 e of x the whole square मतलब 7 by 10 the whole square. ठीक है so I can write this as 7 by 10 minus 7 का square 49 upon 100. इसको decimal सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा पता है इसको 10 से मल्टीप्लाई इसको 10 से मल्टीप्लाई. I can write this as 70 minus 49 upon 100. 70 minus 49 is how much 21 upon 100 and 21 upon 100 is 0.21 which is the answer. किसका आंसर ये variance of x का वही मुझे find करना था. I have the answer. ठीक है ये तो मैं तो बोलता हूँ बहुत easy question था आपको homework के लिए दे देना चाहिए था but ठीक है चलो दो values x के solve कर लिया get the answer expectation and variance completed. आज हमने चार question solve किए सम में कैलकुलेशंस थोड़ा बड़ा था बट आई डोंट थिंक सो कि मेथड जो हमने यहां पर अप्लाई किया है वो इतना डिफिकल्ट है. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस सिर्फ x और p of x ये ढूंढ लो बस उसके बाद तो बहुत आसान है क्वेश्चंस. ओके सो हियर वी कंप्लीट विद एक्सरसाइज 7.1 वी फिनिश विद दिस एंड वी आल्सो कंप्लीट विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. 7.1 जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे डिपेंडेंट है. ओके 7.2 इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. Okay, 7.1 will stop here with this chapter. 7.2 आपके लिए फिलहाल नहीं है. So 7.1 discrete random variable will stop with this. 7.2 में जो continuous random variable वो actually integration से solve होता है. Okay, बाकी 7.1 is completely based on statistics and probabilities which you have already studied. हमने 7.1 almost finish कर दिया है. कुछ आठ question अगर बच गया होगा तो आप homework के लिए solve कर लेना. Also मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो सिमिलर क्वेश्चन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो आपको ट्राई करना है. ठीक है इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो. विल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच.